नमस्कार, आज 23 जुलाई 2020, आइए जानते हैं झारखंड की टॉप 10 बड़ी खबरें। झारखंड में आज फिर मिले 411 कोरोना पॉजिटिव मरीज, 3 की मौत, अब तक कुल आंकड़ा 6,654 हुई। झारखंड में कोरोना संक्रमण का लगातार रिकॉर्ड टूट रहा है। एक दिन पूर्व रिकॉर्ड 422 नए संक्रमित होने के बाद बुधवार को भी राज्य के विभिन्न जिलों में 411 मरीज मिल चुके थे। आज लगातार दूसरे दिन 400 से अधिक मरीज मिले हैं। बुधवार देर रात 9 बजे तक 411 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। इस दौरान 105 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। झारखंड में मास्क पहनना अनिवार्य, लॉकडाउन का नियम तोड़ने पर 2 साल की जेल तथा 1,00,000 रुपए तक का जुर्माना। हेमंत सोरेन की सरकार ने झारखंड में सभी लोगों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। अब यदि कोई भी व्यक्ति लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करेगा तो उसे 2 साल तक की जेल हो सकती है, साथ ही 1,00,000 रुपए तक का जुर्माना भी लग सकता है। कोरोना का कहर, करोड़पति परिवार के 6 सदस्य की मौत के बाद सांस लेने वाला कोई नहीं। रिम्स में धनबाद के कतरास के एक ही परिवार पर कोरोना का कहर ऐसा बरपा कि 6 संक्रमित सदस्य की मौत के बाद उसका सांस लेने वाला कोई नहीं आ रहा है। करोड़पति परिवार की व्यथा सबकी जुबान पर है। 18 साल बाद झारखंड का राज्य का चिन्ह बदला, 15 अगस्त से होगा लागू। झारखंड के राज्य चिन्ह को 18 साल बाद बदलने का फैसला किया गया है। कैबिनेट ने बुधवार को इसकी मंजूरी दी है। नए राज्य चिन्ह को 15 अगस्त 2020 से झारखंड में प्रभावी हो जाएगा। वर्तमान में प्रभावी राज्य चिन्ह को तत्कालीन भाजपा सरकार ने 26 फरवरी 2002 को अधिसूचित किया था। प्याज से तेज निकला आलू, बारिश की वजह से मंडियों में सब्जियों के आवक काफी कम हो गया है। इस वजह से उसकी कीमत आसमान छू रही है। कोई भी सब्जी 20 रुपए प्रति किलो से कम नहीं है। सदाबहार सब्जी आलू भी इन दिनों प्याज को पीछे छोड़कर 30 रुपए प्रति किलो हो गई है। भविष्य में इसकी कीमत में और वृद्धि होने की आशंका है। प्याज अभी 20 रुपया प्रति किलो बिक रहा है। क्वारंटाइन सेंटर में गर्भवती हो गई तबलीगी जमात की 3 महिलाएं। क्वारंटाइन सेंटर और फिर जेल में 111 दिनों की प्रशासन व पुलिस की निगरानी में रह रहे तबलीगी जमात की 3 विदेशी महिलाएं गर्भवती हो गई हैं। यह हाल तब है जब क्वारंटाइन सेंटर और जेल में मिलने जुलने की पाबंदी थी। रघुवर दास का बयान, झारखंड में कानून व्यवस्था फेल। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्य की बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि झारखंड में कानून व्यवस्था की मशीनरी फेल हो गई है। उन्होंने सवाल उठाया है कि जिस राज्य का मुख्यमंत्री ही स्वयं को असुरक्षित महसूस कर रहा हो और उन्हें जान से मारने की धमकी देने वाला शख्स पुलिस की पकड़ से बाहर हो, उस मशीनरी का भगवान ही मालिक है। झारखंड के 42% वेतन भोगी कामगारों को लॉकडाउन के दौरान नहीं मिला वेतन। लॉकडाउन के दौरान झारखंड के ग्रामीण क्षेत्र भारी संख्या में प्रवासी और अप्रवासी मजदूर बेरोजगार हुए। यहां तक कि 42% वेतन भोगी कामगारों को लॉकडाउन के दौरान वेतन नहीं मिला। यह खुलासा ग्रामीण आजीविका पर बेंगलुरु के अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय द्वारा कई संस्थानों के सहयोग से किए गए सर्वे में हुआ है। झारखंड में कैबिनेट की बैठक, 39 प्रस्तावों को मिली स्वीकृति। हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली बैठक में 39 प्रस्तावों को स्वीकृति मिली है, जिसमें झारखंड का लोगो चेंज करने का फैसला लिया गया है और इस दौरान टॉपर्स छात्रों को 1,00,000 रुपए दिए जाएंगे। वहीं कई कड़े नियम लागू किए गए हैं। झारखंड मौसम विभाग के अनुसार आज झारखंड में सुबह से कुछ घंटों तक धूप के साथ बादल छाए रहेंगे। वहीं 1 बजे के आसपास सबसे ज्यादा बारिश होने की आशंका 91% है। इस दौरान आज अधिकतम तापमान 28 डिग्री होने का अनुमान है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन यहीं पर समाप्त होता है।